महाराष्ट्र राज्य में इस समय रबी सीजन के प्याज की रोपाई शुरू है। महाराष्ट्र प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा प्याज की खेती करते हैं और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासल गांव में ही है। आमतौर पर कई राज्यों में साल में एक बार ही प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। राज्य में एक साल के दौरान इसकी तीन फसल ली जाती है। यहाँ खरीफ, खरीफ के बाद और रबी सीजन में इसकी पैदावार होती है। महाराष्ट्र में प्याज एक नकदी फसल है। यहाँ के ज्यादातर किसान इसकी खेती पर ही निर्भर करते हैं और रबी सीजन में ही किसान को सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन मिलता है। प्याज के दूसरे सीजन की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, जो कि इस समय राज्य में चल रही है, और यह जनवरी से मार्च के बीच तैयार हो जाती है। और प्याज की तीसरी फसल रबी फसल है। इसमें दिसंबर जनवरी में बुआई होती है, जबकि फसल की कटाई मार्च से लेकर मई तक की जाती है। राज्य के कुल प्याज उत्पादन का 60% रबी सीजन में ही पैदा होता है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, सोलापुर, जलगांव, धुले, अहमदनगर, सतारा, हेक्टर, इन सब में प्याज की खेती की जाती है। वहीं मराठवाड़ा के कुछ जिलों में इसकी खेती किसान करते हैं, जबकि नासिक जिले में न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में प्याज उगाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल उत्पादन में से महाराष्ट्र में 37% प्याज का उत्पादन किया जाता है और राज्य में 10% उत्पादन अकेले नासिक जिले में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।